सारे नूं पहला जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। तुहाडे चेहरे दसदे पए आ वी तुसीं पीसी किवें देखणा चाहुंदे हो, ते ओह तुहाडे चेहरे देख रहे आ। ते जिहड़ा इतिहासिक दिन आपां नूं बड़े देर तों उड़ीक सीगी, ते जिहदे विच हर वर्ग ने वड्डा तुहाडा अंदोलन साथ रहा, मीडिया वालिआं दा तुसीं सानूं वर्ल्ड तक पहुंचाया, इस अंदोलन नूं वर्ल्ड तक पहुंचाया, ते तुहाडा सारे मीडिया दा पहलां बहुत बहुत धन्नवाद। ते नाले जिन्हां वीरां ने इत्थे लंगर लाए, जिहड़े संस्था ने लंगर लाए, जिहड़े वर्ग ने इत्थे आके हर तरीके नाल तन मन धन नाल साडे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े, उन्हां दा वी सारा धन्नवाद। ते अज जिहड़ा आपां नूं इतिहासिक दिन तौर ते मन्निया जा सकदा, वी तिन कानूनां खातर, दो कानूनां दे विच किसानां नूं पराली दे जिहड़ा पोल्यूशन दा एक्ट सी, नाल बिजली एक्ट, पंजां दे विचों आपां अंदोलन पूरा पूर्ण तौर ते इस पंज कानूनां ते आपां जित हासिल कीती आ। ते इक्को दिन इतिहासिक आ इह वी लोक सभा दे विच वी पेश होया, नाल उह च पास होया, नाल रिपील तौर ते राज्य सभा च पेश होया, ते राज्य सभा च वी पास हो गया। ये अज तक कदी नहीं होया, ते एड्डी वड्डी किसान अंदोलन की जित ये ना अज तक कदी होई सी, ते आने वाले समय दे विच ऐ जी जित्तां नूं याद किया जाऊगा। तो इस जित तो बाद आपां सारयां दा धन्नवाद करते हैं। तो अगला गल बुरज गिल सिंह गल करनगे जी। सब तो पहलां तां मैं इह कहूंगा कि जिहड़ा इह अंदोलन आ इस सदी का सब तो वड्डा, सब तो वड्डी गैदरिंग वाला, तो सब तो पीसफुल अंदोलन मन्निया जा चुका है इतिहास दे विच। एक नवी महान जित असी दर्ज करा चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा। दूसरी गल जिहड़ी हरमीत सिंह कादिया ने कही है कि तिने कानून रद्द हो चुके हैं, बड़ी साडे इह माण वाली गल है। जिहड़े कहिंदे सी मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी ने कहता वह कदे भी पुट्ठा नहीं जांदा हुंदा, वापस नहीं जांदा हुंदा। वह असी सिद्ध कर दिखाया कि लोग वड्डे हुंदे आ, हुकूमतां नहीं वड्डियां हुंदियां। अज लोकां दी कचहरी ने जो फैसला कीता सी कि तिने कानून रद्द करो, वह रद्द हो चुका है, लोकां दी कचहरी दी जित हुई है। दूसरी गल जिहड़ा प्रधानमंत्री ने ऐलान कीता सी कि असी कमेटी बनावांगे MSP ते, वह अजे बाकी रहिंदा है, उन्होंने ऐलान अजे नहीं कीता। अज दे सैशन दे विच एक जिहड़ा बिल आ 2020 बिजली शोध एक्ट, वह भी अजे रहिंदा। जिहड़े केस है बेशक उन्हां दा इक बार ऐलान उन्हां ने करता, पर उहदे ते तसल्ली नहीं वजदी। उह गृह विभाग ऐलान करे कि दूसरियां स्टेटां नूं कह के असीं इह जिहड़े केस है खारज करावांगे, इवें जिवें कंपनसेशन वाली भी कहण भी उहनूं लागू करो। इह जिहड़ियां मंगां है उह कल दे सैशन दे विच असीं मंग करांगे कि कल दे सैशन दे विच बाकी रहिंदियां जिहड़ियां मंगां है, जो असीं PM नूं खुल्ला खत लिखिआ सी उहदे विच उह दर्ज है, उहनां दा ऐलान कर देण। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ SKM ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ 1 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 42 ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 11 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਕੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂਗੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਿਓ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ MSP ਕੋ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਗੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸਕੋ ਲੇਕਰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਾਏ ਹੈ? ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਆਤੀ ਹੈ ਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਰਾਏ SKM ਮੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਸੇ ਪਾਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਲੀਏ
वो राय बना ली है और एक तरीक में एसकेएम में रखेंगे, उसके बाद वो पास की जाएगी। क्या राय बताएगी है? ये एसकेएम की मीटिंग में बताएंगे। यही असि समझना चाहते हैं भी जिहड़ी प्रक्रिया पुर्तगाल जी ने कहा भी वह केस वापस करन दी एक एच एम वालों लैटर जाने चाहिए सारे मिनिस्टर्स नू होम मिनिस्टर स्टेट्स नू भी अपने केस वापस लिते जान वो प्रक्रिया नू समझन वास्ते एक दिन का टाइम दिता गया। पहला तो साफ कर दिए भी चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट च पेश नहीं होगी। मैं सिर्फ बेनती करदा पहले जिहड़ी चार्जशीट है ना सुप्रीम कोर्ट च नहीं पेश होया करदी। ये ट्रायल कोर्ट का मामला है, केस जिहड़े दर्ज होए ने जिस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन होंदी है उस कोर्ट च चार्जशीट पेश होंदी है। सिर्फ दिल्ली दे विच लाल किले जिहड़ी एफ आई आर है इको ही चार्जशीट पेश हुई है, बाकी किस केस च पेश हो ही नहीं, ना किसी स्टेट च पेश हुई है, ना कि हरियाणे च हुई है। इसलिए मेयर एफ आई आर ने जिहड़ी मेयर एफ आई आर है होम मिनिस्ट्री ऑर्डर करे तो एकदम कैंसल हो जाती है। जे चार्जशीट पेश होंगी है तो 301 सी आर पी सी दे विच विदड्रॉल फ्रॉम प्रोसीक्यूशन एक एप्लीकेशन देनी पैंदी है, वो विदड्रॉ हो जाते हैं। सो यह हो रहा है जिवें कादियां साहब ने दस्सिया, दैट इज इन द प्रोसेस, दैट विल बी डन। अगले मीटिंग तक जो जारी रहेगा एक तरीक तक चलेगा। हरमीत जी जरा कंपनशन देना किसान आगू ने 32 जते बंदे संयुक्त किसान 2-2 लाख रुपया शहीद किसान शहीद हो सब तो वड्डी गिणती पंजाब दी है, उहदे च काफी वड्डी गिणती नूं जिहड़ा 5-5 लाख दा मुआवजा है वह पंजाब सरकार वल्लों दित्ता गया और नौकरियां दे भी मतलब उन्हां नूं घर घर जाके उन्हां नूं कह दित्ता। मोर्चा लंबा चलन कारण एडी कोई आर्थिक स्थिति नहीं है मोर्चे की भी इस चीज कर सके, इदा सरकार तो दवाउण तो ही मुआवजे की असी मांग की है। सरकार सेंटर सरकार ने जिहड़ा ऐलान किया किन्ना दिंदे आ ते किन्ना दिंदे आ उहदे वास्ते क्लीनर वास्ते कल दा दिन सेंटर सरकार नूं दित्ता जा रहा। कमेटी फॉर्म करने की गल की जा रही है, कमेटी की रूपरेखा की होनी चाहिए, तुहाडे कोल की प्रपोजल तैयार किया उस चीज नूं लैके? हाले तक सरकार ने जिहड़ी ऐलान किया साढ़े एसकेएम तक या 32 जथेबंदियां तक कोई प्रपोजल लैके नहीं आए, पर वो सुनिया भी थोड़े जिहड़े किसानां दा भी नुमाइंदगी रखी जाऊगी जिहड़ी साडी पुरानी मंग सी, पर टनियोर नहीं दसी गई कलैरिटी भी किन्ने देर च वह कमेटी अपना काम करके रख दूगी। ये कलैरिटी असी अज थोड़े दौरान सरकार तो ही मंग कर रहे हैं भी वह एम एस पी की कमेटी आ उहदे मैंबरशिप उहदा टनियोर किन्ना होगा ते की की किदा लीगल बनाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया उह किन्नी देर तक कंप्लीट कीती जाऊगी। ये सारे फैसले एसकेएम कमेटी दे ने, जे बीजेपी का विरोध सी क्योंकि वह काले कानून लैके आए थे वही काले कानून वापस होए आ, जिदा की वेख कलैरिटी है एसकेएम दे विच दित्ती जाऊगी। असीं चाहुंदे आ साडे 32 जथेबंदियां वल्लों चाहुंदे आ हले एसकेएम च लैके आउणा, पर प्राइम मिनिस्टर इस गल ते पार्लीमेंट दे विच बोले। हाले असीं लड़ाई लड़ रहे हैं थोड़े सामने जिवें जिवें जित्तां प्राप्त कर रहे हैं, यह गैर सियासी रखिया गया। तुसीं एक साल तो कवर कर रहे हो भी एक भी बंदा इस स्टेज ते सियासी नहीं चढ़न दित्ता, हाले इस वल कोई ध्यान नहीं। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। सारे किसानों अपील आ भी खुशी मनाओ, थोड़े 3000 कानून 5 कानून वापस हो गए हैं, पर उन्होंने बहुत वड्डा अपना जो योगदान दिता उन्होंने सारे का धन्यवाद। छत्रपतिंचा विचार म्हणजे